नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है जेलसी। पिछले वीडियो में हमने देखा ईगो के बारे में और आज हम देखेंगे जेलसी के बारे में, और दोनों के दोनों कैसे है, नेगेटिव रिएक्शन है, और नेगेटिव रिएक्शन का कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनता है, नहीं मिलता है, फिर भी हम क्या है इसको काफ़ी कॉमनली इसको अच्छी तरह महसूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जेलसी होती क्या है। तो अगर जेलसी को थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करोगे तो क्या पता चलेगा, इसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज है कंपैरिजन। तो कहीं ना कहीं जेलसी कहाँ से आती है, कंपैरिजन से आती है। बचपन में हमने कंपेयर किया हमारा रिजल्ट, हम बड़े हुए तो हमने क्या कंपेयर किया, हमारा घर कंपेयर किया, हमारी गर्लफ्रेंड कंपेयर की, हमारा मोबाइल कंपेयर किया, हमारे कपड़े कंपेयर किए, हमारे शूज़ कंपेयर किए। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा क्या करते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, हमारे दोस्तों से करते हैं, हमारे पड़ोसी से करते हैं, हमारे दुश्मनों से करते हैं। और अगर हमें अगर उनकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी तो हमें क्या होगा, दुख होगा, और इसी दुख को क्या कहते हैं, जेलसी कहते हैं। अगर मैं 56 भोग खा रहा हूँ, भगवान ने मुझे 56 भोग दिया है, मैं खा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है और मेरा दोस्त कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो मुझे कैसी फीलिंग आएगी, अरे मेरे पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मेरा दोस्त देखो कैसे कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर रहा है। तो ये जो फीलिंग है ये क्या है, जेलसी है। तो जेलसी से क्या होता है, जो हमने हमारे पास है, जो भगवान ने हमें दिया है, हम उसको ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं और हमारे दुख का ये कारण बन जाती है। तो जेलसी हमें क्या देती है, दुख देती है, और हमारे पास जो है वो उसका क्या करते हैं, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं और दूसरों को हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि अरे मेरे पड़ोसी का गाड़ी मेरे से ज़्यादा सुंदर है, अरे मेरे पड़ोसी का घर मेरे से ज़्यादा अच्छा है, अरे मेरे दोस्त के कपड़े देखो मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। और जैसे ही ये ज़्यादा अच्छा हमें दिखता है तो हमें अंदर से कैसी फीलिंग आती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें दुख होता है कि अरे मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं थोड़ा लेट मोबाइल खरीदता तो मुझे भी इतना अच्छा मोबाइल मिल सकता था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जेलसी हमें क्या देती है, हमें दुखी देती है, और हमारे पास जो भगवान का दिया हुआ इतना अच्छा साधन है, चीज़ें हैं, तो वो उसको हम क्या करते हैं, उसको ओवरलुक करते हैं और क्या करते हैं, हमारे पास जो है उसके अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्या कमी है, उस कमी पे हमारा फोकस ज़्यादा जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जेलसी हमें क्या रिएक्शन देती है, क्या रिजल्ट देती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा दोस्तों, हमें कंपेरिज़न बंद करना पड़ेगा। अगर हम कंपैरिजन बंद करेंगे तो हमें जो भी मिल रहा है हम उससे क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, और हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं और हमने कोई जैकेट ख़रीदा तो वो जैकेट हमको मिला 2000 रुपये का, और सेम टाइम पे दूसरा अगर हमारा दोस्त जाता है और अगर वो 1500 रुपये में हमसे ज़्यादा अच्छा जैकेट उसको मिल जाता है तो हमें क्या लगता है, हमें दुख होता है, हमें ऐसा लगता है कि देखो इसने इसको सस्ते में अच्छा जैकेट मिल गया और मैंने ज़्यादा पैसा देकर भी जैकेट इतना सुंदर नहीं है। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है दोस्तों, हमारा जैकेट भी सुंदर ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें दूसरों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, ये एकदम नेचुरल थिंग है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमारी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी, और कंपैरिजन बंद करो तो क्या रिजल्ट आएगा, यू विल बी हैप्पी, देयर विल बी नो जेलसी एट ऑल। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा।